एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा दरअसल आपको कंडीशन दिखा दूंगा इस मरहब की वीडियो बनाने के बाद। यार ये देखो ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, हिम्मत ही नहीं है उठने की कि बेटा खाली करूँ। बिहाइंड द सीन ये हाल होता है, आज देख ले आप लोग। किसी ने कहा था ना बिहाइंड द सीन बनाए, तो ये देखें, ये देखें, इन्होंने कुछ टेक्सचर ये रखा हुआ है और कुछ की इसने लाश गिराई है, कुछ ये बच गए हैं, ठीक है। अब देखिए इनका क्या होगा। और बारिश ने हमारी छत का भी फर्क कर दिया। आज तो लगता था कि बस ऐसे ही बेदिली से तोड़ रही हूँ, बमुश्किल ही। और देखो मेरे कपड़े का, आपका सफेद सूट मेरे ख्याल से अब देखने काबिल नहीं है। ये मैंने ईद पे लिया था और मेरे ख्याल से दो ही बार पहना था, एक ईद पे और एक इस बार। उसके हालात में आपको दिखा नहीं सकती। ये देखें जी, कोई सूखा है तो कोई गीला है, तो कोई टूटा है तो कोई क्या है, कोई छूटा है। ये जो मोमजामा होता है ना, किसी काम का भी नहीं होता, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। सबसे मुश्किल काम है अब इस टब में से ये टेक्सचर निकालना, हाँ, ताकि मेरी बारी आए। और मैं ये देख रही हूँ कि ये कब निकालेगी, ताकि मुझे ना निकालना पड़े। और मैं जो है वो बस इस तरह, हम लोगों ने ना वो जो दूसरे होते हैं ना, कि वो क्या होती है, करंडी से हम लोगों ने निकाला, करंडी कहें, खुरपा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, उससे निकालो तो बहुत टाइम लग जाता है। और हमने जब जब टप उलटाए हैं तो हमेशा टप तोड़े हैं। और ये आखिरी है, मतलब ये वो है जो बेचारा, नहीं वो जो तुम ग्रीन लेकर आई थी। हाँ जी, मैं ले गलती से टब ले आई थी, वो बस जी मुझे पहले दिन ही आकर ये नीचे बताती हैं कि वो ना तुम्हारी जो टब लाई थी ना, वो मुझसे टूट गया। बस इस्तेमाल करना नसीब नहीं हो। और ये देखें, ये जब अक्सर ये काम करती होती हैं, ये देख रहे हैं आप रोटियां, इनको हम रोटियां कहते हैं। ये जब भी बना के रहती है ना कोई वीडियो वगैरह, तो ये क्या करती हैं कि थोड़ी सी रोटियां बना के रख देती हैं, कहती हैं मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा फिर आपके एक टेक्सचर की रोटियों के लिए ना पूरा छत मेरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि रोटियां इतनी जगह लेती हैं। ये अभी सिर्फ 5 रोटियां पकी हुई हैं, ये नान है। कितना दिल करता है छत से झाड़ू लगाने का, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। और एक ये जो चिड़िया और कवे है ना, इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ। सुबह ना सुन, हर किस्म की आवाज से सुनाई देती है। सुबह समझ नहीं आती हम किस टाइम बनाए। बंदों का शोर फिर काबले कबूल है, ये तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। सूरज साहब भी निकल कर आ रहे हैं ओट से। असमर अब आप कौन सा टेक्सचर बनाएंगी? अभी मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर रही हूँ, और आपको देख के मुझे स्ट्रेस हो रहा है। यार इतना मजा आता है, बस दिल करता है ऐसे ही बैठ कर। इसको इधर बाहर निकाल दो ना, मुझे टब खाली कर दो, फिर मजे लेती रहना। अच्छा तो मैं देखें अभी हम कैसे टब खाली करते हैं बिहाइंड द सीन। बस ध्यान रखना मेरे, नहीं आप बेफिक्र, क्योंकि हालात मेरे बहुत ही खराब है। ये देखें यू निकाला जाता है मेटीरियल। आप लोग कहते हैं बिहाइंड द सीन बनाए, भाई ये देखने जो गए हैं। दूसरा बिहाइंड द सीन जब बंदा अकेला हो तो बेचारा कैसे बनाएगा, या मोबाइल स्टैंड पे लगाएगा के लिए भट्टो को बनाना पड़ेगा। किसको? भट्टो को। क्यों? भट्टो जिंदा है। भट्टो जिंदा है, ये आपने देखें गाइस, फिर ऐसे टैप ढोलकी बजानी है। तुम छोड़ो मैं बजाती हूँ, ये पकड़ो, रुको ना वीडियो ऑन है। अच्छा आई ला, मेरा हाथ आ गया था आगे। हाँ हाँ करो, ये तो जिद माल नहीं डाल रहे होते। बस बस इससे टेक्सचर नहीं निकलना। ये लो छा पकड़ो, मोबाइल सारा गंदा हो गया। ये भी ऐसे और साउंड रहे। लास्ट निकला। वैसे अगर आप एक टब से निकालने हो ना, तो जैसे ये टब में से निकल गया टेक्सचर, ये इसी तरह पड़ा रहने दे, सूखने दे, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, तो फिर ये चंक्स आप अलग कर लें। वैसे चंक्स बनाने बहुत मुश्किल है, मैंने बनाए हुए हैं ये थोड़े थोड़े हैं, और जब इनसे थोड़े बहुत चंक्स बनाती है तो फिर ये बाकी सारे शेप्स बना देती है। चंक्स खुद ही अलग हो रहे हैं। ये 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 लुक एट दिस, ये दिस इज द चंक। मुझे अपनी साइकोलॉजी की बुक की चंकिंग याद आ गई है।
ये देखिए हम इनको फिर गार्निश भी कर रही हैं। हाँ बस यही करती रहती हैं इस पर अब गार्निशिंग भी। मैं तो आधा टाइम इसमें वेस्ट करती हूँ ऊपर आकर टेक्सचर बनाने हो तो। ये देखिए ये हालात है ये। हाय हाय मैं बगैर कुछ किए थक गई हूँ। मुझे देखें ये बनाने वाले रहते हैं। अच्छा, बनाने वाले हमारे बहुत रहते हैं। तो ये सीढ़ियाँ और ये सारे बर्तन और वॉशरूम मैंने जो है वो धुल है ताकि हम लोग ये हमारे हमारी शेप ये वो टब जो मारिया बगैर इस्तेमाल किए ही तोड़ चुकी हैं। हमने आज पानी थोड़ा सा भर दिया। ये जो है वो पानी इन्होंने आज वो काफी तेज आया हुआ था तो उसके हमें यहाँ भरना नसीब हो गया वरना हम नीचे से ये बाल्टियां भर भर के लाते हैं और कमर टूट जाती है। वैसे अगर कोई मुझे ईद पे गिफ्ट करना चाहे तो वो मुझे टब सेंट्री का निजाम हमारे घर की सेंट्री का काम कराते हैं और मुझे टब गिफ्ट कर दे यार। और मैं कुछ भी नहीं मांगती कुछ भी नहीं। बिहाइंड द सीन कोई आसान काम है मेरा दिल करे मैं हाथ थोड़ा सा दूर ये देखें ज्यादा टेक्सचर ये है और आधा ये है। इनका कहना ये है कि मैं ये बम्बेस्टिक बॉल्स बनाऊंगी और साथ में इनके चंक्स। ये बारिश से गीले हो गए इसलिए हम नहीं आए एक दो दिन से बनाने हैं। ये भी रात को थोड़ी गीली हुई थी इस वजह से देखें थोड़ी कोलैप्स हाँ कोलैप्स कर गई। ठीक है बस अब मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये बकेट्स का अरमान मैं इन तीन चार तरह की बकेट्स बनाऊंगी आप लोग अपना पूरा कर लेना क्योंकि उसके बाद मेरे में उठाने की जॉइंट शेप्स उठाने की हिम्मत नहीं रही। ये भले जॉइंट शेप्स बनाती रही हूँ वो सीरीज की है मैंने 9 वीडियोज उसकी बनाई हैं और अब उसके बाद बकेट्स की 4 हैं एक में आए 2 में आज लगाऊंगी 2 कल बस जी बकेट्स के अरमान पूरे हो जाएंगे आप लोगों के। लोग क्या करेंगे स्क्रबिंग करेंगे वो क्या नाम है क्लींजिंग ईद पर और हम ईद पर यकीनन वीडियो बना रहे होंगे हम कहेंगे 2 दिन स्कूल के लिए बेहतर है कि हम पहले बचा वैसे ईद पर हम बोर होंगे ना तो देखना हम ऊपर ही आएंगे वापस क्योंकि ईद पे ना हम बहुत बोर हो जाते हैं। हम वैसे ही नहीं जाते थे तो अब तुम्हारे पास पाना है कि कोरोना है बाहर वो क्या कहते हैं तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना पर होने नहीं देंगे तुम्हें कोरोना तो इसी तरह से हम कहीं नहीं जा रहे। ये वो मैंने जो है वो एक इंडियन वीडियो देखी थी तो उसमें सही पुलिस वाले ना मैंने कहा बहुत अच्छे अल्फाज जोड़े हैं ताकि ना माम भाई ना आए और ये हमारी सहेलियां ये भी माशाल्लाह से ना इतनी इतनी सुर लगाती है ना मेरे वीडियो में बोलने का ख्याल आता है। और हाँ यहाँ पर एक ना इधर मुर्गे वगैरह 7 पलों के बंद होते हैं ना ये नीचे उनका घर है मुर्गों का जब तक सुबह उनको आज़ाद नहीं किया जाता वो बोलते रहते हैं और हम यहाँ पर सुनते रहते हैं। ये हमारी घर की बैक साइड का हालात ये देखें वो खाने में मसरूफ़ हैं हमारा तो रोज़ है हमारा दिल खराब कर रही है। ये देख लें जी ये हमारा खूबसूरत सहन है हमें पकड़ के ये एक टेक्सचर जो राजपूत असमर के लिए नीचे ही मौजूद था उसकी जो है वो असमर अपनी वीडियो शूट की है और अब वो यूं पड़ा है और अभी हमारी गालियां और बेइज्जती का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि हमने ये घर के बर्तन बिना उनमें भी भर कर ना छोड़ आते हैं। मम्मी उस दिन भी ऊपर आई हैं तो उठा उठा कर लेकर जाती रही हैं और मुझे कभी अंदाज नहीं कि खबरदार आएगा तुम ऊपर लेकर। ये देखें ये वो 2 बकेट्स हैं जिनका मैं कह रही थी यार हद है कसमें क्या कर रही हैं आप इसमें क्या कर रही हैं अम्मी के पास इतने जेज के दिखाए ना मैं लाइव मनाजर कैमरा हूँ क्या पैसे भी सेटिस्फाई होती यार वैसे मैं नहीं फॉर्म आती होती लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है। ये देख ना तेरा इनका दांत जिंजी रोटियां अब इस टॉप को मैंने धोना है और फिर मैंने वीडियो शूट करनी है इसलिए चले अब बाय बाय बोल देते हैं हम। ठीक है बाकी हाँ मैंने ना अपने और नमन के और राजपूत जो है समार इन तीनों चैनल पे अपने जो बाकी यानी कि एक दूसरे के चैनल हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं तो प्लीज़ कई बार मैं राजपूत या समार पे वीडियो अपलोड करती हूँ तो कहते हैं ये आपकी तो नहीं है ये समार हब की है तो मैं बता दूँ कि राजपूत या समार मेरा और किरण का कलेक्टिवली है यानी नमल का
Yes. बाकी हमारी चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जहाँ है तो जहाँ है कोविड से जो है वो बचने के लिए ऐसे प्लीज को फॉलो करें। और इसके अलावा अल्लाह करे आपकी अच्छी सी ईद गुजरे, हमारे बाकी जो रोजे रह गए हैं वो भी अच्छे से गुजरे, माशाल्लाह अच्छे गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह मास्क पहने, अपनी तरफ से बचत करें, बाकी अल्लाह के हाथ में है मौत और जिंदगी। बस हमें अपनी तरफ से जो है वो, जाहिर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अकल और शऊर देकर दुनिया में भेजा है, तो हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए एसओपीज को फॉलो करें, ताकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी बचाने वाली उसकी ज़ात है। सो और बाकी वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा। ये नमल ASMR पे हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, जब तक मैं ये बोल रही होंगी आप तब तक देख रहे होंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई हो जो मुझे कभी भी मौके पे याद नहीं आई, हमेशा वीडियो जब मैं ख़त्म कर देती हूँ तब याद आती है, ईद आई ज़माने में मारिया गिर गई उस खाने में तो मैं कहने लगी थी वैसे वो अच्छा वक्त हुआ करता था जब हम लोग इस तरह के शेर ईद पे एक दूसरे को, जब हम बचपन हाँ। में 1, 2, 3, 4, 5 में होते थे तब कहते होते थे, तो अब तो ईद कार्ड का भी वो लोग भी टूट कर बिखरा नहीं करते जो पानी में हल्की डाल के आते हैं। ऐसे ऐसे शेर हुआ करते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी लाखों में एक कड़ी दो, हमारी यूट्यूब फैमिली लाखों में। हाँ भाई, यूट्यूब को कह सकते हैं, बाकी दोस्तों को छोड़ें। चलिए ठीक है जी, वो तो गया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज़। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अल्लाह के बंदो कर दो, सब्सक्राइबर बहुत स्लो जा रहे हैं, व्यूज भी स्लो जा रहे हैं, लेकिन आपको अब सब्सक्राइब भी करना है। जो देख लेते हैं लेकिन करते नहीं है, कोई नहीं जाता यार, एक बटन दबा दो, कुछ नहीं होगा। जितने भी हिडन व्यूअर्स हैं ना, साइलेंट लवर्स, प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।